माय डियर यूट्यूब फैमिली, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर लबाबदार। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। पनीर लबाबदार बनाने के लिए हमें चाहिए गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्चा पाउडर, नमक, तेल, फ्रेश क्रीम, काजू, मोटे कटे हुए टमाटर, मोटा कटा हुआ प्याज, पनीर के क्यूब्स, हींग, यहाँ पे मैंने लिया है बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्चा, ग्रेटेड पनीर, और इसमें है तेज़पत्ता, लाल मिर्च, दो छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, दो लौंग और काली मिर्च, और ये है अदरक और लहसुन मोटा कटा हुआ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पैन में डालूंगी तेल, तेल के गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन, मैं इस पे डाल रही हूँ प्याज, सूखी लाल मिर्च, काजू, पनीर लबाबदार की ग्रेवी थोड़ी रिच बनती है इसीलिए इसमें काजू और फ्रेश क्रीम पड़ता है। थोड़ा प्याज सॉफ्ट हो चुका है तो अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर, हल्के मसाले डाल लेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक, इसे मिला लेना है। देखिए अभी हो चुका है, कितने अच्छे से टमाटर की स्किन अलग हो जा रही है। गैस बंद कर दी है और अब हम वेट करेंगे इसके ठंडे होने का। जब ये मसाला ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। जब तक मसाला रेडी हो रहा है हम पनीर को मैरिनेट कर देंगे। तो पनीर को मैरिनेट करने के लिए मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, गरम मसाला और हल्का सा ऑयल। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हो गया है मैरिनेशन और इसमें हम डाल देंगे पनीर।
पनीर को हमने बहुत लाइटली सॉटे करके रख लिया है। और अब मेरा मिक्सचर भी थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो मैंने इसको डाल दिया है मिक्सचर ग्राइंडर में। तो हमें इसको ना बहुत फाइनली ग्राइंड करना होता है, क्योंकि इसको ग्राइंड करने के बाद हम इसे छानेंगे। देखिए मैंने इसे कितना फाइनली ग्राइंड किया है, अब हमें इसे छान लेना है। अब मैंने इसे छान लिया है और देखिए कितना स्मूथ हो गया है। अब मैंने फिर से पैन ले लिया है, मैंने सेम पैन लिया है, रिसोर्सेस को रीयूज करना चाहिए। थोड़ा सा तेल इस पे मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा हींग, प्याज और हरी मिर्चा। हल्का प्याज ब्राउन हो चुका है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए, लाल मिर्च, और थोड़ा कम ही रखिएगा इस समय मसाले, क्योंकि हम पहले भी ग्रेवी में डाल चुके हैं, तो इसीलिए हमने उस टाइम थोड़ा लाइट मसाले रखे थे। अब जो रिमेनिंग है वो आप अभी डाल सकते हैं, और हल्दी। इस पे मैं डाल रही हूँ हमारा मिक्सचर, अब हम इसे मिला लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा पानी, और मैं इसे थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी। देखिए कितनी सुंदर ग्रेवी रेडी हो गई है हमारी। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पाउडर। मसाला हमने मिक्स कर दिया है, इसमें मैं डालूंगी पनीर, ग्रेटेड पनीर। आप इस स्टेप में फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, मैं फ्रेश क्रीम अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि मेरी ग्रेवी ऑलरेडी बहुत थिक हो चुकी है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, और हमारा पनीर लबाबदार है रेडी। मैंने यहाँ इसे सर्व किया है पराठों के साथ। ओली जी, डिनर रेडी है। हेलो, तो कैसा लगा? ग्रेवी तो बहुत ही फाइन बनाई है तुमने। थैंक यू, एंजॉय योर डिनर। तो ओली जी को तो ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी। अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।